तो ओके, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि भाई बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स थे, कौन सी कमांड्स थी, स्टैटिक और डायनामिक, है ना। तो बेसिक एक आइडिया लिया था हमने। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस हैं और जो मान लो आपका जो बाकी कुछ पैरामीटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक आता है कि आप कितने नंबर ऑफ लिंक्स जो डाल सकते हो मिनिमम मैक्सिमम आप किसी भी एक ईथर चैनल के अंदर या पोर्ट चैनल के अंदर। तो वैसे तो देखो मैक्सिमम की तो लिमिट हमें पता है, वो 8 हो सकती है ना, लेकिन आप चाहते हो कि यार आपको 8 नहीं रखने, आपको 6 ही रखने हैं और 8 लिंक आप उसके अंदर यूज करना ही नहीं चाहते कभी भी, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपल उस पोर्ट चैनल के अंदर जाओ। पोर्ट चैनल कैसे बनाना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप सिंपल अपनी रेंज सेलेक्ट करिए कि भाई कौन से पोर्ट आपको चूज करने हैं। मान लो एफ 0/1 to 2, फिर आपका 0/5, फिर आपका 0/7, और उसको आपने रखना है भाई LACP के अंदर कॉन्फिगर करना है, ठीक है। उसमें आपने लिखा चैनल -group 5 मोड एक्टिव, एक साइड एक्टिव एक साइड पैसिव। फिर अगर आप शो इथर चैनल समरी करोगे तो वो पोर्ट चैनल नंबर 5 आपको दिखाएगा वहां पे। ओके, अब आप चाहते हो कि इस पोर्ट चैनल या इस इथर चैनल ग्रुप 5 के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 लिंक ही रहे, तो आपको क्या करना होगा, इस पोर्ट चैनल के अंदर जाना होगा। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 5, ठीक, और यहाँ पे ये कमांड चलेगी। अगर मिनिमम लिंक सेट करना है तो मिनिमम लिंक्स स्पेस देके नंबर कितने चाहते हो आप, तो एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए यार, अदरवाइज क्या पॉइंट है फिर, है ना, कोई आपका इधर चैनल का ग्रुप बनाने का। तो 2 और 4 भी रख सकते हो आप यहाँ पे, आपकी मर्जी है कि भाई आपको 4 लिंक कम से कम चाहिए ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 8 भी रख सकते हो। तो ये मिनिमम के लिए। मैक्सिमम रखना तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्स लिंक्स, फिर कितना रखना है आपको, 6 रखना है, 7 रखना है, 5 रखना है, तो ये आप वैल्यू आप यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था ये लिंक हमेशा क्या होने चाहिए, रिकमेंडेड क्या है, 2 की पावर में। तो या तो 2 रखिए, या तो 4 रखिए, या तो फिर आपका 8 रखिए, पर ऐसा नहीं है कि बाकी आप रख नहीं सकते, रख सकते हैं। ओके, देन अच्छा, ये लास्ट में एक और लाइन लिखी हुई है कि दोनों साइड जरूरी नहीं है कॉन्फ़िगर करना ये वाली कमांड, तो ठीक है मानते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ट्रबल शूटिंग जब भी आप करेंगे ईथर चैनल के रिगार्डिंग, तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये मिलेगी कि एक साइड आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है और दूसरे साइड आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन। तो एक रेकमेंडेड पैरामीटर यही होता है हमेशा कि भाई आप एक किसी भी जो ईथर चैनल का ग्रुप है उसके जो दोनों साइड के लिंक के दोनों साइड के इंटरफेसेस हैं दोनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रखिए। कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि भाई जो आप सेम नहीं रखेंगे तो लिंक चलेगा ही नहीं, वो बंडल बनेगा ही नहीं। कुछ ऐसी है कि चलेगा लेकिन आपको बाद में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बेहतर क्या है, हम क्या बोलते हैं, दोनों साइड आप सेम कॉन्फ़िगरेशन रखिए, नेटिव VLAN सेम रखिए एक ट्रंक लिंक के दोनों साइड, है ना, जो आपको ईथर चैनल के अंदर जिनको भी डाल रहे हो, क्योंकि स्विच टू स्विच लिंक है जिसको आप बंडल बना रहे हो, सारे ट्रंक ही मिलेंगे आपको, ये तो चीज आप दिमाग में रखिए रखिए। फिर जो लिस्ट ऑफ अलाउड VLANs है आपकी वो सेम रखिए, ट्रंक एक साइड है दूसरे साइड है तो वो भी मैनुअल ट्रंक बनाइए आप, उसको DTP पे मत छोड़िए। तो इस तरह जितनी भी चीजें हम आगे बताऊंगा आपको, पूरा स्लाइड के अंदर मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैक्सिमम का बता दिया मैंने आपको, सेम वही है, पर हाँ यहाँ पे कमांड ये है आपकी, और ये सिर्फ किसके अंदर है, आपका LACP के अंदर, ठीक है। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ये मैंने लिखा है यहाँ पे LACP मैक्स बंडल, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डालना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर के लिए अच्छा यहाँ पे एक चीज पढ़िए जरा, एक बात आ जाती है फिर मास्टर और यू नो स्लेव स्विच की। मान लो एक आपका स्विच ये है स्विच 1 और एक स्विच आपका ये है स्विच 2, इनके बीच में आपने 6 लिंक लगा दिए मान लो, या 4 लिंक लगा दिए, है ना, और आप चाहते हो कि मिनिमम रहें 2 और मैक्सिमम रहें 4। अच्छा, अब मिनिमम 2 रख दिए, ठीक है, मिन लिंक्स और मैक्स लिंक्स आपके 4। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट चैनल इंटरफेस है नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड ओनली ऑन द मास्टर स्विच। मैंने कहा था एक साइड आपका रहे दूसरी साइड नहीं भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कौन से साइड रहे ये डिसाइड करना जरूरी है। तो एक स्विच बनता है मास्टर और एक बनता है स्लेव। अब आप सोचेंगे कि मास्टर और स्लेव का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, जैसे रूट ब्रिज बनता था, जैसे DR BDR बनते थे, तो यहाँ पे भी कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो एक पैरामीटर होता है आपका सिस्टम ID, जो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपका प्रायोरिटी है और एक आपका है अगेन वही, तो वही आप जो ब्रिज आईडी होता था ना एक बार, तो वही ब्रिज आईडी वाली बात है कि भाई प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट हर जगह क्या होती है 32768 मैक एड्रेस, इसका यूनिक होगा, इसका यूनिक होगा। तो ये ब्रिज आईडी को ही सिस्टम आईडी बोल रहे हैं एक तरह से, आप ये चीज ध्यान रखिए। अब
लोअर होनी चाहिए कि हायर होनी चाहिए, तो स्विचिंग है तो हम लोअर को ही प्रेफर करते हैं, तो जिसका मैक एड्रेस कम होगा वो क्या बनेगा, मास्टर, जिसका ज्यादा है वो स्लेव बनेगा। तो इस पे आपको एटलीस्ट कॉन्फिगर करनी है वो कमांड, अदरवाइज इस पे करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि आप इस साइड भी करें, ठीक है। अब इसको स्लेव नहीं रखना, इसको मास्टर बनाना है आपको, इसको स्लेव बनाना है, तो फिर अगेन आपको पता ही है उस पर्टिकुलर वीलैन के लिए, उस पर्टिकुलर पोर्ट चैनल के लिए आप क्या कर दीजिए, उसकी प्रायोरिटी को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब हम मैनिपुलेशन वाली वीडियो में, जो कॉन्फ़िगरेशन की स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो एमएसटीपी की बाकी है और इसका भी है, तो वो सब करेंगे आगे डिस्कस। चलिए ओके, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, हाँ तो अभी बात आ गई कि जब आपके पास एलएसीपी आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप 8 से ज्यादा कितने लिंक तक यूज कर सकते हो, 16, राइट। पर वो एक अलग बात है कि भाई 8 ही एक्टिव बनेंगे एक टाइम में, पर आप बैकअप के लिए बाकी 8 लिंक को और रख सकते हो, मतलब 8 मेल लिंक और 8 उनके बैकअप, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो एलएसीपी यूज करता है। पर कौन से 8 हैं जो एक्टिव रहेंगे, ये अगला सवाल बनता है हमारे पास। तो जिस तरह से हमने मास्टर स्विच चूज किया था सिस्टम आईडी के बेस पे, ऐसे ही हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, वो उसको बोलते हैं आपका क्या, पोर्ट आईडी। हाँ, जैसे एक सिस्टम आईडी थी, ऐसे एक हमारे पास होती है पोर्ट आईडी। ये भी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक प्रायोरिटी पे और एक इंटरफेस के नंबर पे। अब आप देखो, हर एक जो पोर्ट है उसकी प्रायोरिटी सेम है, 327.68, 327.68, तो इसके बेस पे तो आपका वो बनने वाला है नहीं, है ना, कि एक्टिव कौन सा, स्टैंड बाई कौन सा। तो दूसरी बात आती है आपके इंटरफेस के नंबर, तो अगेन हम लोअर को प्रेफर करते हैं, तो 0 by 1 to 8, ये जो पहले 8 लिंक होंगे ये क्या बनेंगे, एक्टिव, और जो बाकी वाले हैं ये क्या बने रहेंगे, आपके स्टैंड बाय। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर कई दफा क्या जाता है कि भाई, और ये सेम है दोनों स्विचेस में, इसमें भी 1 to 8 एक्टिव होंगे और दूसरे वाले स्विच में भी 1 to 8 एक्टिव होंगे, तो इसमें चाहे कोई सा मास्टर रहे, कोई सा स्लेव रहे, उससे हमें अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कब पड़ेगा मास्टर और स्लेव का, या तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और हम एक साइड करना चाह रहे हैं दूसरी साइड नहीं करना चाह रहे, तब फर्क पड़ता है, आपको पता होना चाहिए मास्टर कौन सा है ना, या फिर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए इस तरह की। मैं बीच में देख लूं, अगर कुछ थ्योरी है तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा नहीं। 16 लिंक, तो ये मैंने बताया था आपको कि जब प्रायोरिटी के बेस पे आपको करना हो तो आप इंटरफेस के अंदर जाइए और एलएसीपी पोर्ट प्रायोरिटी उसकी चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके, फिर 16 लिंक्स, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं। चलो थ्योरी पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट पूरा कर दूं कि मान लो एक स्विच आपके पास ये है, एक स्विच आपके पास ये है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो क्या गड़बड़ कुछ नजर आ रही है, आ रही है बिल्कुल। पहले पोर्ट को इस साइड हमने किससे जोड़ा हुआ है, लास्ट पोर्ट से, और इधर के लास्ट पोर्ट को हमने किससे जोड़ा हुआ है, फर्स्ट पोर्ट से। अच्छा, अब यहां पे क्या सोचोगे यार, इस साइड तो क्या बनते हैं, ये एक्टिव, और इस साइड कौन से एक्टिव बन रहे हैं, ये वाले लोअर पोर्ट, उस वाले ना पोर्ट आईडी वाले, या फिर जो इंटरफेस नंबर का। इस तरह से यहां पे ये क्या बनेंगे, स्टैंड बाय, और यहां पे ये क्या बनेंगे, स्टैंड बाय। अब ये लिंक चलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं यार, एक्टिव क्या ये स्टैंड बाय है और एक्टिव क्या ये स्टैंड बाय, तो ये नहीं चलेगा। यहां पे फिर आपके दोबारा से क्या काम आती है, आपका यू नो वो सिस्टम आईडी। तो स्विच 1 का मैक एड्रेस क्या था, ए, स्विच 2 का मैक एड्रेस क्या था, बी, प्रायोरिटी तो बाय डिफॉल्ट सेम थी, तो इसके बेस पे मास्टर कौन सा बना, ये, स्लेव कौन सा बनेगा, ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंग होगा सिलेक्शन, ये जो 1 to 8 है ये होंगे एक्टिव, तो स्विच 2 जो स्लेव है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अब मास्टर के अकॉर्डिंग, तो ये अब क्या बनेंगे, एक्टिव, ये इसमें स्टैंड बाय थे तो इसमें भी ये क्या बनेंगे, स्टैंड बाय। तो ये ऐसे कुछ सिलेक्शन होता है आपका। तो लास्ट जो पेज पे हमने बात की थी वो ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि जो इनका सिलेक्शन है एक्टिव का, है ना, वो लोअर पोर्ट नंबर के बेस पे ना हो, वो प्रायोरिटी के बेस पे हो, तो आप उस इंटरफेस के अंदर जाइए। जैसे आप मानते हो कि भाई आपको 0 by 13 को बनाना है, है ना, एक्टिव, और आपको इनमें से किसी एक को नहीं बनाना, तो आप क्या करिए, उस इंटरफेस पे जाइए और उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दीजिए, है ना। तो 3 to 7 6 8 डिफॉल्ट थी और आप यहाँ पे कुछ और डाल दीजिए तो ये प्रायोरिटी कम हो जाएगी, वो वाला पर्टिकुलर लिंक आपका क्या बन जाएगा, फिर आपका एक्टिव लिंक हो जाएगा। बट अगेन एक्टिव एक टाइम पे रहेंगे कितने, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें लिखी हुई है कि भाई अगर कोई एक लिंक डाउन हो गया जो आपका एक्टिव था, ठीक है, तो स्टैंड बाय में से जो सबसे पहला होगा, मान लो 0 by 1 वाला, वो क्या बन जाएगा, नया एक्टिव पोर्ट। ओके, अब मान लो पुराने वाले को आपने अप कर दिया, है ना, वो फाइबर खराब हो गई थी या
पोर्ट खराब हो गया था अपने SFP वो बदल दिया, फाइबर बदल दी, तो कुछ भी नहीं, सीधा अपने आप कर दिया। अब क्या लगता है ये जो था ये दोबारा डाउन होगा और 0/3 दोबारा से अप आ जाएगा? नो, जो चल रहा है ना वो चलता रहेगा, तो 0/3 सिर्फ तभी आएगा वापस जब 0/9 अब डाउन होगा। मतलब आप जो रनिंग नेटवर्क की कंडीशन है ना उसको नहीं छेड़ते, नहीं तो आपके पास क्या आता है? डाउन टाइम, और नेटवर्क में आप डाउन टाइम कभी भी नहीं चाहते, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा जरा इस बात का। ओके, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, ये मैंने बता दिया आपको, तो ठीक है। एक्टिव स्टैंड बाय इस तरह से होगा जो कि लाजमी नहीं है, काम नहीं करेगा, तो इसके केस में LACP के अंदर क्या, देखो यहाँ पे ये सारी बातें मैं LACP में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि PAGP के अंदर तो आप 16 लिंक यूज कर ही नहीं सकते हैं, वहां पे तो सिर्फ 8 ही लिंक थे, तो उसको भूल जाइए आप, है ना? तो ये सिर्फ किसका गेम है? LACP के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, प्रायोरिटी चेंज करना है तो आप उस स्विच पे जाइए, सिंपल LACP सिस्टम देख लेता हूं मैं, पैकेट ट्रेसर पे चलेगी क्या ये कमांड? Enable conf LACP, don't think so, नहीं, L से कोई कमांड इसके अंदर नहीं है ऐसे। ओके, तो अगेन वही, फिर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में बताऊंगा GNS3 जब अप एंड रनिंग होगा हमारे पास। बट ये सिंपल से कमांड है और इसको आप रन कर देंगे तो प्रायोरिटी आपकी चेंज हो जाएगी, तो उसके बेस पे फिर वो लोअर मैक एड्रेस को नहीं देखेगा सिस्टम के लिए, जब उसका बात आती है मास्टर और स्लेव बनने की, तो वो सिर्फ किसको देखेगा? लोअर प्रायोरिटी को, ठीक है? तो इस तरह से आपका एक कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, लोड बैलेंस से मैंने आपको बता दिया था कि कैसे चेंज करना है। ओके, देन उसके बाद फिर कंडीशन मैंने आपको बताया था भी लास्ट टाइम भी, कि भाई जब आपका कोई भी ट्रंक लिंक यूज कर रहे हो, जब भी आपको इधर चैनल क्रिएट करना है, पोर्ट चैनल बनाना है, तो लिंक के दोनों साइड सेम रहनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। भाई L2 एक साइड है तो दूसरे साइड भी L2 का इंटरफेस रहे, L3 स्विच एक साइड है तो दूसरे साइड भी L3 स्विच आप यूज करिए, और आपके ट्रंक है तो ट्रंक हो, एक्सेस है तो एक्सेस हो दोनों साइड, ठीक? ड्यूप्लेक्स और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, है ना? एक्चुअल प्रोडक्शन में आपको बहुत सारी इश्यूज मिलते हैं इसके रिगार्डिंग, तो दोनों साइड क्या है आप मैच करिए, तो ऑटो रखिए, चेंज कर रहे हैं तो दोनों साइड सेम चेंज करिए, ठीक? जैसे ही आप कोई भी लिंक बना देते, मान लो आपने 4 लिंक्स को मिला के एक बंडल बना दिया, तो लिंक की जो प्रॉपर्टी थी वो बंडल के अंदर अपने आप से इनहेरिट हो जाएगी। लिंक अगर ट्रंक था तो ये भी ट्रंक हो जाएगा, वो अगर उसके अंदर रेटिव विलेन 10 थी चारों ट्रंक लिंक्स के अंदर जिनको मिला के आपने एक पोर्ट चैनल बनाया है, तो वो भी उसकी नेटिव विलेन भी क्या होगी आपकी 10 बन जाएगी। और बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आपने कुछ नहीं किया बाद में करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पोर्ट चैनल कौन सा बनाया था, 1 था शायद, शो ईथर चैनल समरी कर लीजिए, तो मैंने बनाया था 1, ठीक है? ये ग्रुप नंबर 1। अब आप क्या करो, सिंपल इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, ठीक है? और इसको भी आप ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन है स्विच, क्योंकि ये वो है ना आपका लेयर 3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, पहले इसको मैनुअली बताना पड़ेगा फिर आप इसको ट्रंक बना सकते हैं, ठीक? और आप कुछ और चेंज करना चाहते हो, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। तो वो किस पे अलाउ हो रहा है, अब आपका 1-to-1 इंटरफेस पे नहीं है, वो पूरे के पूरे बंडल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे ये सारी आपको पोर्ट चैनल पे दिखेंगी, वहां पे इंटरफेस का जिक्र नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5, नो, ठीक है? ओके, देन ये मैं बता चुका हूं आपको, देख लीजिएगा, ऑलरेडी हम ये सारी डिस्कस कर चुके। वेरिफिकेशन की कमांड्स होगी, स्टेटस वेरिफिकेशन हो गया, देख लेना आप इसको, ये आ जाएगा समझ सारा। अगर आपके पास, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अप एंड रनिंग GNS3 है जिसके अंदर आपके L2 L3 के स्विचेस लगे हुए हैं जिसपे आप ये कमांड्स रन कर सकते हो, तो प्लीज गो हेड डू दैट। अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मचा है कि मेरे को बताना हो, है ना? सिर्फ कमांड आपके सामने लिखी, आउटपुट देखिए, आउटपुट का भी मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, आप मैच करिए, ठीक है? तो शो LACP काउंटर्स इसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऐसा पैकेट ट्रेसर में मेरे पास यार, आप स्मार्ट है, आप पता कर सकते हैं कि क्यों आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा भाई, है ना? बताइएगा मुझे कमेंट में जरूर कि ये वाले एरर मुझे क्यों आ रहे हैं इस वाले स्विच में, है ना? ऐसा क्या गड़बड़ कर दी है मैंने इसके अंदर?
ये देखो यहाँ पे ईथर चैनल इंटरफेस के स्टेटस फील्ड है, और एक तो लॉजिकल है और एक आपके फिजिकल है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ये चेक करने के लिए, और वो क्या है। अच्छा देखो एक और चीज इंटरेस्टिंगली, जब आपने कुछ मिसकॉन्फिगर किया यहाँ पे, तो इधर ये अब अप नहीं आया है, ये क्या है आपका डाउन है ईथर चैनल। ठीक है, दिखा भी देता हूँ आपको मैं, ये अगर आप चेक करोगे शो ईथर चैनल समरी, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका दिखाई नहीं रहा है। तो एनीवे दोबारा से चला देता हूं मैं। तो मेरे को बताना क्या था, हाँ ये इनके स्टेटसेस बताने थे कि आप ये देखिए डी का मतलब क्या है डाउन, पी का मतलब क्या है इन पोर्ट चैनल, मतलब ये हिस्सा किसका है आपका पोर्ट चैनल, 0/9 इंटरफेस भी, 0/1 इंटरफेस भी, ये सब किसके अंदर है आपके पोर्ट चैनल के अंदर है। ठीक है, और क्या ये डाउन है, S4 क्या है आपका ये, तो स्मॉल एस है सस्पेंडेड नहीं, मेरे को कैपिटल एस देखना है। तो ये लेयर 2 के इधर चैनल बना रहा हूँ अभी मैं, लेयर 3 के बाद में बात करेंगे। U4 आपका क्या है, देखिए यहाँ पे इन यूज, तो आप यूज कर रहे हैं इसको। ठीक, तो इन सब के मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये देख लीजिएगा, कैपिटल के अलग मिलेंगे और स्मॉल के आपको अलग मिलेंगे, ये देखिए स्मॉल वाले। ओके, तो अभी एक दो स्लाइड और है जो PAGP और LACP की हमने बात की थी ना, कि कुछ एक आध एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट भी आता है इसके अंदर। तो PAGP के अंदर आप दो चीजें और एक्स्ट्रा, मतलब एक और एक्स्ट्रा कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप देखोगे PAGP के जो स्विचेस है इधर चैनल में, वो एक दूसरे को जो मैसेज भेजते हैं, मैंने कहा था ना एक साइड डिजायरेबल है और एक साइड मान लो आप ऑटो भी रख सकते हो, डिजायरेबल भी कर सकते हो, तो ये क्या करते हैं हर 30 सेकंड के अंदर मैसेज भेजते हैं कि भाई लिंक अप है, लिंक अप है। और अगर डाउन होता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 30 सेकंड तो ये है ही है, और आई थिंक इसका 6 गुना है शायद या 3 गुना है, 90 सेकंड होगा। हाँ, 90 सेकंड के बाद वो अपना फ्लश करता है सारी डिटेल को, और फिर उसको बताता है कि भाई लिंक डाउन है। तो 1.5 मिनट तक आपको नहीं पता चल रहा है नेटवर्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका लिंक अप है या डाउन है, आप फ्रेम भेजे जा रहे हो वो लॉस हुए जा रहे हैं। तो आप क्या कर दीजिए, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ आपको LACP का, चलिए पहले LACP का बता देता हूँ। तो LACP में क्या होता है, एक स्लो और एक फास्ट। तो जो बाय डिफॉल्ट चलता है वो आपका चलता है स्लो, इस तरह 30 सेकंड, और अगर आप LACP रेट फास्ट की कमांड चला दोगे तो क्या होगा, इवन जैसे आपका लिंक डाउन हुआ तो 1 सेकंड का टाइमर होता है, हर सेकंड वो पूछता रहता है लिंक अप है, लिंक अप है, और 3 सेकंड होते हैं 3 गुना वो बता देगा कि लिंक डाउन हो गया। तो बहुत फास्टली आपको पता चल जाता है LACP के अंदर कि भाई आपका लिंक डाउन है। तो ये बहुत एक ब्रिलियंट फीचर है LACP का। तो वो LACP में था, और PAGP के एडवांस में क्या आता है कि भाई मान लो आपका फाइबर है ना, अगेन वही चीज, फाइबर में जब मान लो कि एक केबल डैमेज होगी स्पेशली सेंडिंग वाली, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका लिंक अप है या डाउन है। मैंने आपको STP में बताया था स्पेशली, एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास UDLD का कॉन्सेप्ट था, वो फाइबर के ही यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से था, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं नॉन साइलेंट की, किसके अंदर, आपके PAGP में। और नॉन साइलेंट लिखते ही उससे क्या हो जाएगा आपका, वो फाइबर के लिंक्स को चेक करता रहेगा। ठीक, और चेक करने का मतलब क्या कि फाइबर में जैसे कोई गड़बड़ आएगी, अब वो उसको साइलेंटली नहीं रखेगा, अब वो उसको एक्टिवली आपको नोटिफाई करेगा सिसलॉग मैसेज या जो भी एक तरीका आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है उसके जरिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो किसके अंदर, आपके PAGP के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, आपके पास एक एक्शन रहेगा कि हाँ अब आपको जो आगे करना ना इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए LACP का फिर मैंने आपको बताई दिया था, फास्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, रेट फास्ट की कमांड आती है तो उससे होगा क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी इंटरफेस में जाइए, ठीक है, और वहाँ पे आप LACP रेट फास्ट की कमांड चला दीजिए। कमांड वेरिफिकेशन के लिए लिखी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। कोई पोर्ट चैनल डिलीट करना है आपको तो यस, आप उसके आगे सिंपल क्या लगा दीजिए, नो। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, और इस पे मेरे को कोई डिलीट करना है, 1 था ना मेरे पास नंबर, नो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, राइट, डिलीट, शो, स्पैन करोगे, अब देखो अब क्या आ गया आपके पास, FA 0/3, मतलब अब पोर्ट चैनल नहीं दिखा रहा आपको यहाँ पे कोई, शो ईथर चैनल समरी करोगे तो कुछ नहीं दिखा रहा, पहले दिखा रहा था, राइट। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते, अभी देखो डाउन डाउन, ठीक है, और क्यों डाउन है, एक साइड आपका लिंक है और एक साइड आपका पोर्ट चैनल नहीं है। तो अब यहाँ पे भी क्या करूँ, नो पोर्ट चैनल 1, क्या कमांड थी, सो नो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास अगर पैकेट ट्रेसर पे, थोड़ी देर के बाद ये
रिजॉल्व होगा, तो या फिर हमने कुछ और भी मिस किया हुआ है यहाँ पे, तो वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी आपके पास पोर्ट चैनल होंगे, इंटरफेसिस जो भी जिस भी पोर्ट चैनल के अंदर होंगे, जब तक वो उसकी कॉन्फ़िगर। अच्छा यहाँ पे तो और भी चीजें हो सकती है ना, मैंने ट्रंक लिंक पे नेटिव भी कुछ चेंज कर रखा, अलाउड भी कुछ चेंज कर रखा है ना, तो इस वजह से भी ये डाउन। बट एनी वे, जो आप एक साइड कर रहे हैं वो दूसरे साइड भी करें, दिस इज द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ओके देन, तो लेयर 3 इथर चैनल की बात करेंगे अगली वीडियो से, तो इस वाली वीडियो में इतना काफी है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए और शेयर करते रहिए वीडियोस एंड जो भी आप नॉलेज अर्न कर रहे हैं हमारे चैनल से। बाय बाय एंड टेक केयर।